आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, सोर्सेस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रेट। कार्बन का मतलब होता है एनर्जी और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी कि ऊर्जा और पानी, एनर्जी ऑफ वाटर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली एक बायोमोलिक्यूल है जो कि तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कार्बोहाइड्रेट थर्ड मेजर कंपोनेंट है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का तीसरा मुख्य कंपोनेंट यानी कि तत्व होता है। पोषक तत्व, पहला पोषक तत्व होता है प्रोटीन, दूसरा फैट एंड थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है हमारा एनर्जी हमें प्रोवाइड करा था हमारी बॉडी में। दिन भर हमें काम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की होती है। उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये। उसके बाद ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 4 kcal, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और फैट से हमें 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी रहती है वो अगर हम कैलोरी में देखें तो 900 से लेकर 1300 यानी कि 900 to 1300 किलो कैलोरी हमें जो हमारी जितनी डेली रिक्वायरमेंट है किलो कैलोरी की उसमें कार्बोहाइड्रेट की रहती है। तो अब नॉर्मल किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो नॉर्मल जो मेल्स रहते हैं उनमें 2200 से लेकर 24 किलो कैलोरी तक नॉर्मल रिक्वायरमेंट एक मेल की होती है, और एक फीमेल की होती है 1800 to 2200 मतलब 1800 से लेकर 200 किलो कैलोरी। तो इस जो किलो कैलोरी जो डेली रिक्वायरमेंट है 2200 से 2400 उसमें से 900 से लेकर 1300 किलो कैलोरी हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही रिक्वायरमेंट होती है। और डेली जो हम फूड लेते हैं उसमें 50 to 70% डेली रिक्वायरमेंट हमारी कार्बोहाइड्रेट की होती है, मतलब हमारे दिन भर का जो भी खाना हमने कंज्यूम किया उसमें 50 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा का मेन सोर्स है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो फंक्शन सबसे पहले मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है। हमारे शरीर के अंदर जितना है ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका रेगुलेशन कार्बोहाइड्रेट ही करता है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जितनी हम हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है वो जाके लीवर में स्टोरेज होता है एज ए ग्लाइकोजन। तो एनर्जी स्टोरेज का काम भी ये करता है। तब ये जब काम आता है जब हम कुछ खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे हमें कार्बोहाइड्रेट यहां से मिल सकता है, मतलब ग्लाइकोजन वापस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्ट एज ए फ्लेवर एंड स्वीटनर्स, ये स्वीटनर्स और फ्लेवर्स का काम भी करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बींग ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी, यानी कि प्रोटीन के जो अणु रहते हैं उनको तोड़ के और कार्बोहाइड्रेट साथ में मिलके उनको एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड कराता है। अब हम देखेंगे इसके सोर्सेज कि कहां कहां से हमें प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये सीरियल से प्राप्त हो सकता है। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा मिलता है हमें गेहूं के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा हनी, हनी मतलब शहद, शहद से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, सारे मुख्य मेन रिच सोर्सेस है। नेक्स्ट हमारा ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सारी चीजें। इसके बाद राइस, चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हमें राइस के अंदर मिलता है। इसके बाद जेगरी, जेगरी का मतलब होता है गुड़। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस, जितनी भी हमारी दालें हैं, अरहर दाल, मूंग दाल, जो भी प्रकार की जितनी भी दालें आती हैं उन हर दाल में हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। उसके बाद है शुगर केन, गन्ना, गन्ने के अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। नेक्स्ट है पटेटो, पटेटो में भी हमें स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है स्टार्च, वो हमें इसमें अच्छे भरपूर मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद ब्रेड, जितने भी बेकरी आइटम्स रहते हैं उन सबके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है, ये दो भागों में वर्गीकृत किया गया है,
सिंपल क्लासिफिक, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो क्विकली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, मतलब आसानी से पच जाता है। इसके अंदर सारी चीजें आती है, फ्रूट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे फल फ्रूट होते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ, यानी कि दूध, दही, छाछ, ये सारी चीजें, ये हमारा होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। और नेक्स्ट रहता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो टेस्ट टाइम टू डाइजेस्ट, मतलब इसको पचने में टाइम लगता है। जैसे लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का मतलब होता है जितनी भी फलियां होती है, ग्वार फली, चौला फली, ये सारी चीजें, ब्राउन राइस, होल ग्रेन, वेजिटेबल्स, अनाज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जो पचती तो है मगर इनमें समय लगता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं सिंपल के। सिंपल में पहला होता है मोनोसेकेराइड और दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है वन शुगर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक शुगर अणु से बना होता है। इसके अंदर हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो सिंपल शुगर होता है। फ्रुक्टोज सारे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है और गैलेक्टोज पाया जाता है लेक्टोज के अंदर, यानी कि नेचर से हमें ये मिलता है। उसके बाद होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से अगर बना है तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। इसी का एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डायसेकेराइड। डायसेकेराइड जो होता है वो 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। इसके अंदर आता है सुक्रोज, लेक्टोज एंड माल्टोज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो रहता है वो 10 और मोर यानी कि 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स से बना होता है। इसके अंदर आता है स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन सभी की डिटेल्स, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, कहां से मिलता है, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है यह है C6H12 और O6, यानी कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर हमारा ग्लूकोज बनाता है। एक सिंपल शुगर होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे मेनली फ्रूट्स के अंदर मिलती है और फाउंड इन मेनी प्लांट्स, यानी कि सभी पौधों के अंदर भी ये पाया जाता है। उसके बाद गैलेक्टोज। गैलेक्टोज यूजुअली हमें नेचर से मिलता है और ये लेक्टोज के अंदर पाया जाता है। यूजुअली फाउंड इन नेचर, प्रकृति में पाया जाता है कंबाइंड विद अदर शुगर। अदर शुगर से हमें मिलता है, यानी कि लेक्टोज जो कि मिल्क शुगर होता है, मतलब दूध के अंदर लेक्टोज होता है, उसी के साथ में हमें गैलेक्टोज मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारा सुक्रोज। शुगर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से बनी हुई शुगर होती है एंड फ्रुक्टोज सब यूनिट्स, यानी कि ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज इन दोनों का जो सब यूनिट्स होता है उससे मिलकर क्या बनता है, हमारा सुक्रोज बनता है। नेक्स्ट है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमें काहे में मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है। तो लेक्टोज इज द शुगर दैट्स इन मिल्क और इसका काम क्या है, अवर बॉडी यूज एन एंजाइम। हमारी बॉडी जो है कि एंजाइम को यूज करती है शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम लेक्टोज बोलते हैं। तो ये लेक्टोज वही है जो कि आसानी से अब्सॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा माल्टोज। माल्टोज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स, 2 ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा माल्टोज। इट इज मेड बाय ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च टूटता है तब जाके माल्टोज बनता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टार्च, ए वाइड ग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब होता है बारीक, सफेद कलर का एक बारीक ऑर्गेनिक केमिकल है, प्रोड्यूस बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है उनसे मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर। स्टार्च जो होता है वो पोटेटो और शुगर केन इन सभी में पाया जाता है, राइस वगैरह इन सभी चीजों में। नेक्स्ट है हमारा फाइबर, फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, यानी कि ये फल के अंदर पाया जाता है और सब्जियों के अंदर पाया जाता है, ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, जितने भी अनाज है उन सभी में, और लेग्यूम्स जितनी भी फलियां हैं सभी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। इट इज द बॉडीज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ये बॉडी का स्टोर्ड फॉर्म है, मतलब जब ग्लूकोज, जब कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं और जो भी कार्बोहाइड्रेट जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको बचने, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने के बाद जितना भी बचता है वो सभी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड हो जाता है और ये एनिमल और ह्यूमन दोनों में पाया जाता है। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने कंज्यूम किया कार्बोहाइड्रेट, जब हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें मान लो 100 ग्राम्स की अगर पर डे रिक्वायरमेंट है,
100 ग्राम्स अगर हमने कंज्यूम किया, 150 ग्राम्स अगर हमने 150 ग्राम्स कंज्यूम किया और हमें 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो जो 50 ग्राम बचा है वो 50 ग्राम क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में कहां पे स्टोरेज हो जाएगा, लीवर के अंदर। और जब हम कुछ नहीं खाएंगे, जब भी हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, तो यही ग्लाइकोजन वापस से क्या करेगा, ब्रेक डाउन होके, लीवर में से ब्रेक डाउन होके वापस हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।